हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जीके। आज 7 जनवरी 2019 की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने करंट अफेयर्स जीके के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज, हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एरिबेशन सेंटर बिल हैज पास्ड इन द लोकसभा। इट्स एम इट टू मेक इंडिया ए हब ऑफ आर्बिट्रेशंस। लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बिल पारित हो गया है। इसका उद्देश्य भारत को मध्यस्थता का हब बनाना है। नेक्स्ट, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्चेज क्लीन सर्वे 2019। इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप पुरी। दिस विल बी इट्स फोर्थ एडिशन। दिस वर्क विल बी पेपरलेस एंड इट विल बी कंप्लीटेड इन 28 डेज। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को लॉन्च किया। इसे केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्री हरदीप पुरी ने लॉन्च किया है। यह इसका स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का चौथा संस्करण होगा और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का कार्य पेपरलेस होगा तथा इसे 28 दिनों में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड टू गिव 2 LED बल्ब, ए डीसी फैन एंड ए मोबाइल चार्जिंग सॉकेट फ्री फॉर द फार्मर्स टू जॉइन द अटल सोलर एग्रीकल्चर पंपिंग स्कीम। महाराष्ट्र सरकार ने अटल सोलर कृषि पंप योजना में शामिल होने के लिए किसानों को 2 LED बल्ब, 1 DC फैन तथा 1 मोबाइल चार्जिंग सॉकेट निःशुल्क देने की घोषणा की है। अब आइए बात करते हैं पुरस्कारों अवार्ड्स की। आंध्र प्रदेश रिसीव्ड द CBIP अवार्ड फॉर पोलवाराम प्रोजेक्ट। दिस अवार्ड हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पोलवाराम प्रोजेक्ट। दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन गोदावरी रिवर। आंध्र प्रदेश को पोलवाराम परियोजना के लिए CBIP पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पोलवाराम परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए प्रदान किया गया है। यह बहुउद्देश्य परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि करंट अफेयर्स है आपका और सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट करें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर भी हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।